हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हालचाल हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग खैरियत से होंगे और बढ़िया भी होंगे। दोस्तों, करीब काफ़ी दिन हो चुके हैं, 3 महीने के आसपास हो चुके हैं वीडियो डाले हुए पेंट की। मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, बोले क्यों नहीं आप वीडियो डाल रहे। तो देखिए, वीडियो मैंने सोचा आज डाल ही देते हैं। दोस्तों, वीडियो ना डालने की कुछ वजह रही थी, कुछ थोड़ी सी ना तबीयत भी सही नहीं थी, कुछ जो है दुकान में भी काम वगैरह करवाया था हमने और ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो इंशाल्लाह आप वीडियो डाल दिया करेंगे कभी कभी तो, और देखिए क्या क्या दुकान में काम हो रहा है तो मैं आपको दिखा दूं। तो ये है कुछ बाहर का नज़ारा हमारे दुकान के बाहर, स्टेट हाईवे। तो चलिए मैं दिखाता हूं कुछ इस तरीके से हमारे दुकान का लुक। ये हमारे दो शटर की, आपको पता है, बड़े साइज़ की दुकान है। और इसमें आप जो देख रहे हैं ना, ये वाइट वाली अलमारी, तो ये अभी रिसेंटली हमने काम स्टार्ट करवाया था इसमें। तो यहाँ पर जो है, पहले आपको देखा होगा जिन लोगों ने हमें सर पहले बने हुए हैं, तो यहाँ पर अलमारी होती थी वैसी, जो होती ना लोहे की, देखा भी होगा आपने मेडिकल स्टोर में होती है इस तरह की। तो वो हटवा के ना, वो हमारे हिसाब से ना नाजुक थी, तो हमने ये लगवा दी है पूरे, काफ़ी बड़े साइज़ के, काफ़ी सारे खाने इसके अंदर, और 2 फीट गहराई है इसकी, 2 फीट बाई 2 फीट का खाना लिया हमने, क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह ज़्यादा थी, तो इसे पूरा ऊपर तक कवर कर दिया है। तो इसमें हम जो है किस तरीके से माल लगाएंगे आपको मैं बता दूँ। इधर का जो पोर्शन रहेगा, इसमें हमारा हार्डवेयर का रहेगा, जिसमें हमारे पलंग के बान हो गए, या फिर हम और आपका जो है टंकी फिटिंग वगैरह का कुछ सामान ले लेंगे। तो कुछ देखिए, ये हमारे टंकी फिटिंग का सामान है। देखिए अभी क्या है, सेटिंग सही नहीं है ना, थोड़ी गंदगी आपको दिखाई देगी, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना इस चीज़ को। ये हमारी बाहर वाली अलमारी, और देखिए ये है कुछ लुक अंदर की साइड से। तो ये आ गया, एक ये अलमारी आ गई इधर, और ये वाली अलमारी देखिए सेम, जितने खाने उधर हैं उतने ही इधर हैं। तो सामने का जो जितना भी सामान है स्पेंट वाला, वो सारा इसमें फिट कर देंगे ये वाली अलमारी में। और यहाँ पर ना सब सामने की साइड में भी हार्डवेयर ही ले लेंगे। सामने की साइड में हमारी सब पेंट की बाल्टियाँ हैं, पेंट की बाल्टी हमने ज़्यादातर जो है गोदाम में रखवा दी है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा गोदाम में, CCTV कैमरे में आपको सब दिख जाएगा। तो ये इधर की साइड हमारा जो है बिजली फिटिंग का सारा सामान आ गया है। तो देखिए काफ़ी उबड़ खाबड़ तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे पहले हमारे पास बर्जर की वालमस्ता है, बर्जर की वालमस्ता लाइट बाल्टी है। ये डिस्टम्बर आ गई देखिए इस तरीके से, और ये आपकी बर्जर वालमस्ता लाइट का 10 लीटर पैक की अगर हम MRP की बात करें, आप लोग MRP को बहुत ज़्यादा बताते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा इसकी MRP कितनी है। तो अंधेरा होने की वजह से ना पूरी तरीके 221 रुपये लीटर, यानी कि इसका 2210 रुपये 10 लीटर के पैक का। और देखिए 10/2022 की इसकी डेट है। और हमारे पास नए में फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लेकर आए हैं। देखिए ये डूलक्स की बाल्टी आ गई, 20 लीटर पैक है। और आपका जो है नेरोलैक का प्राइमर, प्रीमियम प्राइमर आता है इसका, पॉपुलर प्राइमर आता है। और देखिए ये नो डैम्प है, और एशियन पेंट और नेरोलैक तो हम शुरू से बेच ही रहे हैं ज़्यादातर। और देखिए एक नए में आपको जो है मैं दिखा दूं, ये हमारे पास आया है पॉपुलर प्राइमर, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। ये हमारा लकड़ी के लिए इस्तेमाल होता है, और आपका जो है इसे दीवार पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दिखाया जाए। और देखिए एक ये क्या चीज़ आ गई है जी, बर्जर में BP वाइट प्राइमर लाइट। अभी देखोगा अपने, पहले बर्जर का ये वाला प्राइमर था आपका, जो कि हमारा दीवार पे भी हो सकता है और लकड़ी पे भी हो सकता है। तो इसी तरीके से अब ये वाला भी आ गया है, इसका जो प्राइस है 1 लीटर का कितना है, 224 रुपये। और अगर वो इसकी बात करें तो देखिए 269 रुपये, 2022 की पैकिंग है इसकी, और इसकी पैकिंग भी 2022 की है। तो कंपनियां जो है ना कुछ बदल बदल के नया नया कुछ लाती रहती है। अगर हम नेरोलैक के प्राइमर रेड ऑक्साइड की, तो देखिए नेरोलैक का फर्स्ट वाला रेड ऑक्साइड प्राइमर आ गया, नेरोलैक का, ये सस्ती रेंज में 219 रुपये MRP है इसकी। और इसकी MRP की बात भी की जाए तो कितनी है, 188 है इसकी। और एक और है ये नेरोलैक का ऑटो पेंट, ये भी रेड ऑक्साइड प्राइमर है। और दोस्तों अगर हम बात करें पुट्टी में, तो पुट्टी फिलहाल हमारे पास जो है अभी तक हमने वही चला रखी है, सिर्फ एक तरह की पुट्टी और बढ़ाई है हमने। हमारे पास त्रिमूर्ति की पुट्टी है, नेरोलैक की पुट्टी है, इंडिगो की पुट्टी है, और हमने चौथी पुट्टी और इंक्रीज की है, जिसमें हमने एशियन पेंट की पुट्टी रख रहे हैं, जो कि 20 किलो के पैक में है और 30 किलो के पैक में, 30 kg। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।